नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महिला के खाते से गायब हुए 1,20,000। बड़ी खबर जनपद अमेठी के तहसील सिलोई के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा इन्होना गांव का है। इस शाखा में एक दलित महिला का खाता है जिसका नाम फूलमती पत्नी रामचंद्र है, जो गोपालपुर गाँव की रहने वाली है। महिला का पति रामचंद्र ने पत्रकारों को बताया, अपनी लड़की के शादी के लिए मेहनत मजदूरी करके हमने अपनी पत्नी के नाम बैंक ऑफ बड़ौदा में 1,20,000 रुपए जमा किए थे, लेकिन जब जमा करते को रुपए की जरूरत पड़ी तो बैंक कर्मचारियों ने बताया तुम्हारे खाते में पैसा नहीं है। इसकी बात सुनते ही महिला के होश उड़ गए और वह खुद को संभाल नहीं पाई, बल्कि उसी जगह पर गिर कर बेहोश हो गई। उसके बाद बैंक के कर्मचारियों से मालूम हुआ फूलमती के खाते में सिंहपुर ब्लॉक के गांव अंगूरी निवासी रामलाल धोबी पुत्र साहबदीन धोबी का आधार कार्ड नंबर से लिंक कर दिया गया है। उसी के माध्यम से बारी बारी उसके खाते से 1,20,000 निकाल दिए गए। जब ये मामला इन्होंने चौकी इंचार्ज तनुज कुमार पाल के पास आया तो पुलिस ने रामलाल को पकड़ कर चौकी ले आई और पूछताछ करके उसे छोड़ दिया गया। जब इसकी जानकारी चौकी इंचार्ज से ली गई तब उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है, ये प्रकरण बैंक से संबंधित है और बैंक प्रबंधक को नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि खाता धारक के खाते में किसी और व्यक्ति का आधार कार्ड लिंक कैसे हुआ? क्या बैंक कर्मचारियों को खाता धारक का आधार कार्ड दिखा नहीं या समझ में नहीं आया? आखिर इस प्रकरण के पीछे बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों की मिली भगत जरूर है। राम कैलाश पटेल की रिपोर्ट। नाम है अंगूरी घर है, इन्होना बड़ौदा बैंक है, उसमें जो उन्हें की रुपया निकारा और निकारे के बाद आरोप लगावत हैं कि पैसा तुम निकाल लेंगे, पुलिस हमको बैठे नहीं देता, बैंक वा आधा तो यह निकारा अनपढ़ मनई, बैंक वाले सब रुपया निकाल लें, हमका का पता अनपढ़ मनई अब कहाँ से पैसा दे, हम बताते हैं कि 1,72,000 दियो, हम कहाँ से दे पैसा, इतने पैसे हमने निकाला तो निकाल लें, बैंक वाले निकाल लें रुपया, हम नहीं निकारा, थोड़ा बहुत निकारा, अब परेशान कर रहे बैंक, पुलिस दरोगा हमका बंद कर दिए थे, संझाले बैठाया रात ने कहे बंद कर दिया तुमको, हमको परेशान कर रही पुलिस, बैंक वाले सब निकाल लें रुपया, थोड़े बहुत हम निकारा वो सब निकाले। किसके खाते से पैसा निकाले? हम रामलाल अपने खाता से निकाला रुपया, और बताते हैं कि तुम दूसरे खाता से रुपया निकाल लिए है। किसका खाता बता रहे हैं? ओ बता रहे हैं रामचंद्र का, इनका नाम बताते हैं, हमें ध्यान नहीं है। और जबकि तुमने किसके खाता से निकाला है? हम अपने खाता से निकाला, रामलाल अपने खाता से निकाला है, अब बताते हैं कि तुम दूसरे खाता से रुपया निकाले, दूसरे खाता पर बैंक वाली गलती है कि हमें खाता पर रुपया काहे लगा देंगे, हम कहाँ पाई दे गरीब मनी पैसा, कैसे ऐसे चेक द्वारा निकाले हो कि हम अंगूठा लगा के निकाला, हम कई दफा निकाला, अंगूठा लगा के आधार कार्ड से निकाला? हाँ आधार कार्ड से निकाला, अपने खाता से निकाला, जो हमें खाता मानी पैसा न रहते तो कहे निकाले थे। तो बैंक वाले कितना पैसा निकाले हैं उसके खाते से जिसका दूसरे खाता है? वही निकाले हैं सब पैसा, बैंक वाले निकाले हैं साहब, हमका कहा तुम सब 1,72,000 निकाले, हम इतना पैसा नहीं निकाला, बैंक गए तो पूछा तो मैडम बताए कि तुम 1,20,000 निकाले हो, वो बताते हैं 1,72,000, इतने पैसे हम कहाँ दे पाएंगे साहब, हम दे ना पाऊबे कहेंगे लगा दी बस कहाँ रहने वाले? हम गोपालपुर के सर रहने वाले हैं और हमारा खाता बड़ौदा बैंक था, हमारी औरत था, फूलमती नाम है। अच्छा, वहाँ बैंक गए तो इन्होंने बोला कि हमने पैसा निकलवाले गए तो इन्होंने बोला कि तुम्हारा जीरो बैलेंस बता रहा है, हमने 1,72,000 रुपये इसमें जमा किए थे, इन्होंने खाता लिंक कर दिया, आधार लिंक करके हमारा पैसा अलग भेज दिया। किसका आधार लिंक कर दिया? वो अंगूरी का रहने वाला है। फिर क्या हुआ? फिर जो है इन्हों बैंक वाले ने कहा कि जाओ उसको ढूंढो, हमने उसको ढूंढ के लाए और दरोगा जी ने कहा कि जाओ FIR हैदरगढ़ में करिए, वहाँ गए तो वहाँ से हमको वापस कर दिया, वो बोला कि तुम्हारा काम है पुलिस यहाँ पुलिस चौकी पर, तो यहाँ आए तो पूछा तो कहे फिर कोई चीज़ हमको रास्ता नहीं बताया, हमने फिर आने बैठ गए। इन्होना बैंक मैनेजर क्या कह रहा है? इन्होना बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि जो है हमने हमारे बैंक से अगर पैसा निकलता तो हम उसके जिम्मेदार होते,
अभी मत देना, बोलो 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 पूछो। अब क्या कह रहे हैं? बोलो क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि हम कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आपने फिर कहाँ कहाँ शिकायत किया? शिकायत केवल चौकी किया और वहाँ थाने गए थे हैदरगढ़। आपका थाना चौकी कौन सा लगता है? यही सिवतरगंज। हमारा नाम शिवराज है और हमारे भौजाई का खाता जो है इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में है, और जब ये लोग पैसा निकालने गए बैंक ऑफ बड़ौदा में तो इन लोगों ने कहा आपका जीरो बैलेंस है। उसके बाद ये भाग दौड़ करके उसका एस्टीमेट निकाला। एस्टीमेट निकालने के बाद में जो है यहाँ फिर आए तो बोले बैंक ऑफ बड़ौदा में आ करके बोले कि जो है इनका पैसे आपका नहीं है, तो यहाँ चौकी पे गए इन्होना चौकी। तो फिर वहाँ पे दरोगा जी ने मतलब इंक्वायरी करके उसको किसी तरह बुलाया है। बुलाने के बाद में उसको जो है कई बार में हम लोग वहाँ गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए फिर कल गए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आपका मैटर वहाँ का है, हैदरगढ़ में आप कोतवाली जाइए। तो वहाँ से फिर आए हैं हमारे भाई साहब, हमारी भौजाई का खाता है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कैसे दूसरे के खाते पे पैसा गया? अब ये सर जी, अब इसका तो परिणाम वही दे सकते हैं मैनेजर साहब। हम लोगों पैसा वहाँ कमा के डाला है और वो सब पैसे निकाल लिया, कई बार में निकाल लिया पैसे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।